साल 1984 से पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों के ऊपर जाने दिया जाता था, किसी को नहीं रोका जाता था। लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। आज किसी को भी कुतुब मीनार की सीढ़ियां चढ़ने की अनुमति नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ था उस दिन 4 दिसंबर के दिन जिससे ये कदम उठाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल। दोस्तों कहते हैं कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था और आज भी पूरी दुनिया इसे निर्माण कुशलता का एक जीता जागता नमूना मानती है। लेकिन 1505 ईस्वी में एक भयंकर भूकंप से यह लगभग तबाह हो गई थी, लेकिन इसकी मरम्मत कराई गई जिससे यह दोबारा ठीक ठाक हो गई थी। और फिर 1803 ईस्वी में भी एक और भयंकर भूकंप ने इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और फिर से इसकी दोबारा मरम्मत की गई। अगर आज आप इसे देखने के लिए जाएंगे तो आपको इसके अंदर और ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि इसके दरवाजों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। दरअसल कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है और इसको देखने आए हुए कई लोगों ने यह भी दावा किया है कि इसके आसपास किसी के पास होने का एहसास होता है। रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का दावा कर चुके हैं। साल 1984 में पहले कुतुब मीनार के अंदर और अंदर की सीढ़ियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। दरअसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग इसके अंदर थे और सीढ़ियों के जरिए इसके ऊपर चढ़ रहे थे। इसमें से ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इसके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी थी कि एक समय पर कोई एक ऊपर या नीचे आ जा सकता है। इसकी इतनी ऊंचाई होने के कारण इसमें कुल 379 सीढ़ियां भी हैं। इसके अंदर रोशनी का भी कोई भारी स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब जो है इसमें लगाए गए, लेकिन अचानक ही बिजली बंद हो गई उस दिन और पूरे अंधेरे में सभी लोग डर गए और नीचे की तरफ भागने लगे। सीढ़ियां छोटी होने के कारण जल्दी से इससे उतरा भी नहीं जा सकता था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई जिसमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। इसे जब भी खोलने पर विचार किया गया कोई ना कोई हादसा हुआ, इसलिए इसे सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया। आज भी यहां रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के द्वारा की गई रिसर्च में यही पाया गया कि कुछ अजीब सा एहसास इस मीनार के आसपास होता है। उनका तो यह भी कहना है कि उन मृत लोगों की आत्मा आज भी इस जगह के आसपास एक हल्का सा एहसास देती है। कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके थे उनका भी कहना है कि इस मीनार के अंदर इस हादसे से पहले कुछ भी ऐसा एहसास नहीं हुआ करता था और आप अकेले भी अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज आपके साथ कोई चल रहा हो। वहां के प्रशासन का भी आज कहना कि इसके अंदर किसी तरह की सेफ्टी नहीं है, इसलिए इसे बंद रखना ही आखिरी उपाय है। तो अंत में हमारे मन में यही सवाल उठता है कि आखिर कुतुब मीनार के अंदर वह एहसास क्या है जो हमेशा हमारे साथ चलता है और क्या सच में इसी कारण कुतुब मीनार के दरवाजों को बंद कर दिया गया है। इन सबको देखकर तो हमें यह भी लगता है कि कुछ सवालों का जवाब ना मिले उसी में सबकी भलाई होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव हमें कॉमेंट के जरिए अभी बताइए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी लोकल जर्नी यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट किया है तो लोकल जर्नी परिवार का हिस्सा सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर बने और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन भी चालू कर ले ताकि जो भी हमारे आने वाले वीडियो है वो सब आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।